अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? यार पिछली वीडियो आपने देखी होगी, तो उसमें मैंने बताया था कि आज जो है वो मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंसेस, मतलब फील्ड के हवाले से किस किस फील्ड में काम किया है ये मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। जब मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैंने एमएस कंप्यूटर साइंस किया हुआ है इकरा यूनिवर्सिटी कराची से। एमएस कंप्यूटर साइंस का मतलब एमफिल इन कंप्यूटर साइंस, एमफिल के बराबर है, 18 ईयर एजुकेशन है। तो उसके अलावा उसमें ये था कि मैं जब थीसिस कर रहा था, थीसिस मेरी स्टार्ट हो गई थी, थोड़ा कुछ प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मैंने 4 महीने जो है वो यहाँ पे लम्स में, लम्स है लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस, यहाँ पे मेरे अब्बू प्रोफेसर हैं ऑर्थोपेडिक के, आपने पिछली वीडियोज़ में देखा होगा। तो उसी यूनिवर्सिटी में आईटी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर मैंने 4 महीने की इंटर्नशिप की थी। स्टार्टिंग में मैंने ऑफिस और उसमें एक्सेस के डेटाबेस से की थी, उसके बाद फिर मैं एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस पे आया और प्रोग्रामिंग में मैंने काम किया। एचटीएमएल सीएसएस मुझे पहले भी आते थे और वो भी एक कोर्स था, वहाँ मैंने इकरा यूनिवर्सिटी के कोर्स में मैंने वो कुछ सीखा था। और उसके अलावा सी शार्प भी मैंने सीखा था, वहाँ पे एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स था। तो वहाँ पे ये मैंने इकरा यूनिवर्सिटी से कोर्सेज से सीखा था, मतलब सब्जेक्ट थे हमारे उनमें से सीखा था थोड़ा बहुत, मतलब इंटरमीडिएट लेवल कहूँगा। उसके बाद मैंने वहाँ पे वही काम किया ये लम्स में, 4 महीने वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया और उस पर डेटाबेस और उसमें प्रोग्रामिंग में काम किया। ये वो लोग समझ सकते हैं जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड से वाबस्ता हैं, प्रोग्रामिंग क्या है, डिज़ाइन क्या है और नेटवर्किंग क्या है। नेटवर्किंग मैंने पढ़ी हुई, बाकी सब चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है, जिस तरह मतलब यूनिवर्सिटीज़ में होता है या आपकी एकेडमिक लाइफ में होता है उतना तो मैंने किया है। उसके बाद प्रैक्टिकली जो मैंने काम किया है वो प्रोग्रामिंग में किया है, और ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें फिर मैंने लम्स में जो बाकी जो मैंने सीखा वो ASP.NET पे काम किया था, ASP.NET के फ्रेमवर्क से MVC और उन पे मैंने काम किया था। और उसके बाद मैंने रिपोर्टिंग पे, SQL सर्वर की रिपोर्टिंग होती है जिसमें डेटा को आप दिखाते हैं, विजुलाइज करके दिखाते हैं ताकि लोग कॉम्प्रिहेंड कर सकें, उसको देख के कुछ एनालिसिस कर सकें, डेटा विजुलाइजेशन भी कहते हैं, उसमें मैंने काम किया था। ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये मैंने वहाँ पे सीखी। और उसके बाद मैंने अपने फिर दोबारा थीसिस को टाइम देना था, मेरे सुपरवाइज़र भी कह रहे थे कि आप टाइम दें, तो मैंने वहाँ पे टाइम देना स्टार्ट किया। थीसिस हो गई, थीसिस जब हो गई मतलब डिग्री विग्री हो गई, उसके बाद डिग्री तो मिली तो देर से थी लेकिन थीसिस अप्रूव हो गया। उसके बाद 5-6 महीने ऐसे ही घर पर ऑनलाइन काम किया। उसके बाद मैंने मेरे एक जानने वाले टीचर हैं, वो मेरे बहुत ही करीबी जानने वाले हैं और बहुत मतलब फैमिली टर्म्स हैं, जैसे भाई हैं हमारे, और वो हैं एक मेरा यूनिवर्सिटी में टीचिंग करते हैं, लेक्चरर हैं और शायद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था मेरा यूनिवर्सिटी में और वहाँ पर मुझे इंटर्नशिप मिल गई। फिर मैंने स्टार्ट ऑनरी किया था फ्री में, और उसके बाद एक्सपीरियंस के लिए। उसके बाद फिर एक वहाँ पे प्रोग्राम आया, वो था स्टाइपेंड के साथ था, 6 महीने का इंटर्नशिप था, वो मैंने किया। तो मैंने 6 महीने ऑनरी किया और 6 महीने पेड में, तो तकरीबन 1 साल मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप की मेहरान यूनिवर्सिटी में। मेहरान यूनिवर्सिटी कहाँ है, लम्स कहाँ है और सिंध यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये तीनों एक ही वीडियो में, मैं जामशोरा गया था, सिर्फ रोड ट्रिप है वो, मैं आपको वीडियो लगा दूंगा, आप देख लेना किस तरह पड़ता है हैदराबाद से। अभी मैं हैदराबाद में हूँ तो हैदराबाद से थोड़ा सा आगे 20-25 मिनट की ड्राइव होती है। तो मेहरान यूनिवर्सिटी में क्या हुआ कि देखें, वहाँ लम्स में मैंने जिस तरह बताया ASP.NET MVC इन फ्रेमवर्क से मैंने काम किया वेब डेवलपमेंट की प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। तो ये बैक एंड की प्रोग्रामिंग थी, अभी PHP भी बैक एंड प्रोग्रामिंग में आती है और कोर PHP भी मैंने काम किया मेरा यूनिवर्सिटी में जो साल में इंटर्नशिप। उसके अलावा वहाँ पे एंगुलर JS, jQuery और डेटा एनालिसिस और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर चल रहा था उसकी टेस्टिंग भी करते थे, मतलब उसमें एरर्स जो थे, बग्स वगैरह
वो फाइंड करते थे। तो इस तरह ये था मेरा डेवलपमेंट की फील्ड का एक्सपीरियंस। और उसके बाद जो है वो 5-6 महीने मैंने ऐसे ही घर पे ही ऑनलाइन काम किया, बस कुछ खास नहीं किया, बस ऐसे ही। और उसके अलावा फिर जॉब सर्चिंग चलती रही। एक कंपनी ने मुझे, मैंने उनको अप्रोच किया, उनको कोई ज़रूरत थी आईटी के बंदे की, मैंने वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे बिठाया वहाँ पे कोरल ड्रॉ पे। उन्होंने कहा डिज़ाइनर चाहिए, मैंने कहा मैं तो डेवलपर हूँ, मैंने प्रोग्रामिंग आती है मुझे। उन्होंने ये कहा कि आप जो है वो डिज़ाइन करके दिखाएं, देखते हैं कैसे आप काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे बिठाया, मैंने 3 दिन में जो है वो YouTube से सीखे, देख ट्यूटोरियल से उनको पोस्टर वगैरह बना के दिया, लेकिन उनको पसंद नहीं आया और वो जॉब मेरी नहीं लगी। लेकिन मैंने सोचा कि ये 3 दिन जो है इनको मैं कैश करूँगा और डिज़ाइनिंग की, क्योंकि फील्ड में पहले था नहीं, मुझे शौक़ था मैं करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं बन रहा था। तो 3 दिन जब मैंने करके देखी तो बहुत ही मज़ा आया। मैंने कहा यार डिज़ाइनिंग की फील्ड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। उसके बाद मैंने घर आके यूट्यूब से ही कोरल ड्रॉ सीखा, और उसके बाद मैंने दूसरा ग्राफिक्स के जो सॉफ्टवेयर्स हैं एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, ये सीखे। फोटोशॉप एडवांस लेवल तक सीखा, और उसके बाद मतलब मैंने स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग में, अपना अकाउंट बनाया, फ्रीलांसिंग का काम किया मैंने, स्टार्टिंग कर दी। उसके बाद डिज़ाइनिंग के बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट मतलब इस तरह करता रहता था, रोज़ कोई ना कोई लोगो बना के कॉन्टेस्ट में देता था, और फिर लेकिन रिव्यू अच्छे आते थे, लेकिन कुछ इस तरह ख़ास कोई हुआ नहीं। उसके बाद मैंने जिस तरह बताया लास्ट ईयर मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट की, तो जिनसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी उसी वही चैनल पे वो मतलब वो बताते हैं कि वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन कैसे की जाए। तो मैंने वीडियो एडिटिंग वहाँ से सीखी, कम्प्लीटली नहीं सीखी, थोड़ी बहुत जितनी आप देखते हैं वो मुझे वहीं से सीखी मैंने। और उसके अलावा उसके लिए वो सॉफ्टवेयर एडोब प्रीमियर का लेटेस्ट वर्जन चाहिए, वो कहीं पर भी इंस्टॉल नहीं होता अभी, ऐसा कोई हार्डवेयर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं पुराने वर्जन पे काम करता हूँ अभी। तो इसके अलावा फिर वीडियो एडिटिंग भी आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है, और लोगो डिज़ाइन ब्रोशर वगैरह, ये लोगो एक वीडियो में मैंने दिखाया भी था कि यहाँ पे हैदराबाद में एक स्कूल का मैंने लोगो बनाया था। तो इस तरह मैं अभी भी चैनल पे मैंने लोगो बनाया है अपने चैनल का, और थंबनेल्स भी आप देखते हैं चेंज हो रहे हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा ये किस तरह मेरी डिज़ाइनिंग किस तरह की है। तो अभी सारे थंबनेल्स को मैं डिज़ाइन करके चेंज कर रहा हूँ। आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, वीडियो एडिटर भी हूँ, वीडियो एडिटिंग करता हूँ, फ़ोटो एडिटिंग करता हूँ, वीडियो और ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ, लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत कुछ आ जाता है। ग्राफिक ऐप डिज़ाइन भी की है, लोगो डिज़ाइन भी किया है, जो ऐप की UI डिज़ाइन भी की थी, ये सारे मैंने फ्रीलांसिंग पे कॉन्टेस्ट पे दिए थे, रिव्यू अच्छे आते थे, लेकिन अभी उसमें मैं पॉपुलर नहीं हुआ। फ्रीलांसिंग की टिप्स जो है वो मुझे देखनी है, अभी सीखूँगा मैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहाँ से सीखी, और प्रोग्रामिंग और वो जो मैंने सीखी वो मैंने आपको बता दिया, हल्की फुल्की मैंने अपने MS कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ही सब्जेक्ट से ही सीखी, बाकी जो है वो मैंने अपने इंटर्नशिप्स में सीखी। एनिमेशन मुझे सीखनी है वो बाकी है, वो भी मैं उसी चैनल से सीखूँगा। अगली वीडियो मैं उसी चैनल पर बनाऊँगा जिन्होंने मुझे ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाई, ये हुनर दिया। और मैंने लास्ट जॉब जो है वो 3 मंथ्स की थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में, यूट्यूब से सीख के मैंने ग्राफिक डिज़ाइन की जॉब की, और बाकी जो मैंने सीखा वो उसमें कोई ऐसी जॉब नहीं मिली। जॉब मुझे मिली तो इस यूट्यूब से सीखी हुई स्किल से मिली। और उसके अलावा ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी फील्ड है, मैंने उसमें आके मैंने रियलाइज़ किया कि माइंड बिल्कुल फ्रेश एंड फ्री होता है, और आपको किसी किस्म का प्रेशर नहीं होता। प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है माइंड पे। क्रिएटिव फील्ड है, वीडियो एडिटिंग भी, वीडियो बनाना, वीडियोग्राफी मुझे अच्छी लगती है, फ़ोटोग्राफी भी मुझे अच्छी लगती है, मैं करता हूँ, फ़ोटोग्राफी भी करता हूँ, वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, वीडियोग्राफी भी करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ, लोगो डिज़ाइन करता हूँ, बाकी ब्रांडिंग के सारे काम करता हूँ, ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन करने के। मेरी वीडियो एडिटिंग स्किल्स आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह की है।
और फोटोशॉप और उसकी स्किल्स जो हैं वो मेरे थंबनेल्स और डिज़ाइनिंग में, लोगो डिज़ाइनिंग में नज़र आएंगे। बाकी ये कि मैंने जो भी डिज़ाइनिंग की है उसका मैं पोर्टफोलियो बनाया हुआ है मैंने Behance.com पे, और मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं मैं किस तरह की डिज़ाइनिंग करता हूँ, और लोगो डिज़ाइन और पोस्टर डिज़ाइन और ब्रोशर डिज़ाइन वगैरह जो भी मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ वो किस तरह की करता हूँ वो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप लोग मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप अगर मेरे क्लाइंट भी बनना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ भी डिज़ाइन कर लूँगा, या जो भी आप, जो मैंने बताया है, जो मैं काम कर सकता हूँ, जो मेरी स्किल्स हैं उसमें मैं आपको सर्विसेज दे सकता हूँ, उसके लिए मैं आपको डिस्काउंट भी करूँगा। और अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कि अब अभी जैसे सब कोई घर में बैठा है तो घर में बैठ के आप स्किल सीख सकते हैं सर्टिफिकेट के साथ, तो वो नेक्स्ट वीडियो में उस पर बनाऊंगा, और उसके अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैंने ये कहाँ से सीखी सारी स्किल्स, जो डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और इसकी स्किल्स हैं ये कहाँ से मैंने सीखी, वो मैं उससे अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, और आज चौथा रोज़ा था, चौथा रोज़ा आपको मुबारक, फोर्थ रमज़ान मुबारक, अल्लाह हाफिज़।